श्री कृष्ण को पांडव अत्यंत प्रिय थे, इसलिए श्री कृष्ण के बारे में सुनने से पांडवों के बारे में सुनना अधिक लाभप्रद है। लोग श्री कृष्ण के बारे में सुनने को अधिक इच्छुक रहते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनना अति उत्तम है। इस आधार पर हमने ये कोशिश की है कि श्रील प्रभुपाद के अत्यधिक प्रिय शिष्यों में से एक परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का यथाशक्ति गुणानुवाद किया जाए। महाराज श्रील प्रभुपाद से 1975 में उनकी पुस्तक कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अर्थात कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा पहली बार मिले। उस समय महाराज को वो पुस्तक कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा निर्देश दिया था जिसका महाराज ने अपने छोटे से प्रयास के द्वारा पालन करना शुरू किया। वो निर्देश था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कृष्ण पुस्तक पढ़ने के बाद महाराज ने भक्तों से मिलने का निश्चय किया। इस प्रकार महाराज दूसरी बार श्री प्रभुपाद से उनके भक्त यानी हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में मिले। महाराज ने कहा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भक्तों ने स्वीकार किया। और इस प्रकार महाराज लंदन के पास भक्ति वेदांत मैनर में रहने लगे। भक्ति विकास महाराज का जन्म इंग्लैंड में 1957 में हुआ था। उनके माता पिता अंग्रेज थे। महाराज 1975 में 18 वर्ष की आयु में स्कॉन से जुड़े। महाराज ने 1989 में संन्यास ग्रहण किया। स्कॉन से जुड़ने के पश्चात भक्ति विकास महाराज श्रील प्रभुपाद से दो बार लंदन में मिले। 1975 के गर्मियों में भक्तों को सूचना मिली कि श्रील प्रभुपाद शीघ्र ही लंदन आने वाले हैं। जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद के लंदन आने का समय निकट आ रहा था, वैसे वैसे ब्रिटेन में भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उस समय महाराज भक्ति वेदांत मैनर में ही थे, जहां भक्त बड़े जोश और उत्साह के साथ सब कुछ व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। सभी श्री प्रभुपाद को हीथ्रो एयरपोर्ट पर देखना चाहते थे और अपने प्रिय गुरु महाराज को देखने की उत्सुकता में सभी भक्त जोरदार कीर्तन कर रहे थे। किंतु श्री प्रभुपाद का लंदन आना रद्द हो गया। सभी भक्त निराश हो गए, लेकिन अगले ही दिन श्री प्रभुपाद के आने का समाचार मिला तो भक्तों का उत्साह दुगना हो गया। अगले दिन परम पूज्य भक्ति विकास महाराज
अन्य भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए श्रील प्रभुपाद की एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो सब गलत टर्मिनल पर खड़े थे। श्रील प्रभुपाद लंदन आ चुके थे और भक्ति वेदांत मैनर पहुंच भी चुके थे। सभी भक्त श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में जा चुके थे और अब भक्त उनसे सवेरे ही मिल सकते थे। अगले दिन श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से सवेरे 7 बजे भगवान की अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए बाहर आए। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे भव्यता से सीढ़ियां उतर रहे थे और वही था परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के द्वारा किया गया श्री प्रभुपाद का पहला साक्षात दर्शन। इस लंदन यात्रा के दौरान श्री प्रभुपाद ने कई भक्तों को दीक्षा दी, जिसमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी थे। जन्माष्टमी के पर्व पर हंसदूत प्रभु ने श्री प्रभुपाद की ओर से दीक्षा समारोह संपादित किया और महाराज को नाम दिया गया इलापतिदास ब्रह्मचारी। 1976 में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज श्रील प्रभुपाद से इंग्लैंड में मिले। एक बार श्रील प्रभुपाद के कमरे में श्रील प्रभुपाद की दृष्टि महाराज पर पड़ी। कुछ क्षणों के लिए श्रील प्रभुपाद महाराज को देखते ही रह गए। महाराज ने कहा, मैं उस कृपा दृष्टि को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। 18 मार्च 1976 को मायापुर में श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में श्री प्रभुपाद ने कहा, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम को अपना जीवन और प्राण बना लेना चाहिए। ये निर्देश महाराज के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। प्रवचन देते समय या प्रचार करते समय अभी भी महाराज इस निर्देश को विस्तार से समझाते हैं। इस निर्देश का अर्थ है, हमें श्रीमद् भागवतम का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, उसके अर्थ पर चिंतन करना चाहिए, महत्वपूर्ण श्लोक याद रखने चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए और भक्तों के साथ उनकी चर्चा करनी चाहिए। हमें अपना जीवन श्रीमद् भागवतम के निर्देशों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। जब महाराज स्कॉन में शामिल हुए तब तक इस आंदोलन का काफी प्रचार हो चुका था और लोग श्री प्रभुपाद के दर्शनों के लिए बहुत उत्सुक होते थे और उनसे बात करना एक दुर्लभ अवसर माना जाता था। एक दिन मायापुर में संध्या के समय श्री प्रभुपाद भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उनका कमरा खचाखच भरा हुआ था, अंदर जाने की थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, लेकिन किसी तरह से महाराज उस कमरे के अंदर जा पाए और उन्होंने बैठने की थोड़ी सी जगह बनाई। महाराज श्रील प्रभुपाद की मेज के ठीक सामने बैठे थे। श्रील प्रभुपाद सौम्य शांत और स्वस्थ लग रहे थे। सभी भक्त श्रील प्रभुपाद का संग पाकर अत्यधिक प्रसन्न थे और प्रभुपाद जी भी भक्तों के साथ आनंद मगन थे। थोड़े समय पश्चात कमरे के दरवाजे पर एक पुजारी आए। उनके हाथ में फलों के महाप्रसाद की एक बड़ी सी थाली थी। उन्हें अंदर आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, इसलिए वो दरवाजे पर ही खड़े हो गए। जब श्रील प्रभुपाद ने पुजारी को देखा तो उनको वो प्रसाद भक्तों में बांट देने को कहा। तब पुजारी ने कहा, जब भक्त जाएंगे तब मैंने देने ही वाला था। पुजारी की ये बात सुनकर श्रील प्रभुपाद एकदम से बोले, ये कभी नहीं जाएंगे। सभी भक्त हंसने लगे और सभी ने श्रील प्रभुपाद की जय जयकार की। इस घटना के बाद महाराज ने श्रील प्रभुपाद द्वारा कहे हुए इन शब्दों पर विचार किया।
ये कभी नहीं जाएंगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने उस समय ये शब्द विनोदपूर्ण ढंग से कहे थे, लेकिन उनके इन शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ था। सभी भक्त श्रील प्रभुपाद से इतना प्रेम करते थे कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। भले ही कुछ समय के लिए भक्त माया के प्रभाव में आ भी जाए और प्रभुपाद जी का संग छोड़ भी दें, लेकिन फिर भी वो श्रील प्रभुपाद की करुणा और उनके चरण कमलों को कभी नहीं भूलेंगे। 4 अप्रैल 1976 में वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में महाराज की ब्राह्मण दीक्षा हुई। महाराज ने श्रील प्रभुपाद का अंतिम दर्शन अक्टूबर 1977 में किया और इसके एक महीने बाद ही श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद की स्थिति देखकर महाराज बहुत दुखी होते थे और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि श्रील प्रभुपाद इतने कमजोर और दुर्बल हो जाएंगे। महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों को पता था कि वो अस्वस्थ हैं, फिर भी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। हमने ये सोचा कि उनकी बीमारी एक प्रकार की लीला है और वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर फिर से इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये भी कभी नहीं सोचा था कि श्री प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। अगले दिन सवेरे महाराज पुस्तक वितरण के लिए वृंदावन से बंगाल के लिए निकल पड़े। महाराज जानते थे कि पुस्तक वितरण श्री प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय था। वो श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे। इसके बाद महाराज ने श्री प्रभुपाद को कभी नहीं देखा। महाराज कहते हैं, मुझे पता है कि श्री प्रभुपाद अभी भी हमें देख रहे हैं। हम जितनी उनकी शरण लेते हैं, हमें उतनी ही कृपा वो प्रदान करते हैं। वो हमारे साथ साक्षात रूप में उपस्थित हैं। मैं अभी भी श्रील प्रभुपाद का संग करता हूं। मैं जब भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे साक्षात बातें कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद मुझसे कहते हैं, जो निर्देश मैंने अपनी पुस्तकों में दिए हैं वो सभी के लिए हैं। जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमें स्वयं कृष्ण भगवान निर्देश दे रहे हैं। आध्यात्मिक संबंधों में शरीर के स्तर की कोई रुकावट नहीं होती। महाराज कहते हैं, यद्यपि मैं श्रील प्रभुपाद का ज्यादा निजी संग प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया। ना केवल जीवन को समझने का मेरा दृष्टिकोण बदला, अपितु मेरा भोजन, मेरे वस्त्र, मेरे तौर तरीके, यहां तक कि मेरी भाषा का प्रयोग भी बदल गया। ये सब श्री प्रभुपाद के इतने कम निजी संग से कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर है, मेरा अभी भी श्री प्रभुपाद से संपर्क है। भौतिक संबंध काल के प्रभाव के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के साथ जो संबंध है वो इस भौतिक जगत का संबंध नहीं है। महाराज कहते हैं कि उन्होंने यह अनुभव किया है कि उनका श्रील प्रभुपाद के साथ संबंध उनके जाने के बाद और परिपक्व और गहरा हो गया है। ये तथ्य श्रील प्रभुपाद के उन सभी शिष्यों के लिए सत्य है जो श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का गंभीरता और विश्वास के साथ पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक कृष्ण भावना भावित सभ्य विश्व की इच्छा रखते हैं और महाराज को इस बात का पूरा विश्वास है कि एक दिन श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये कृष्ण भावना मृत संघ श्री कृष्ण की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस संदर्भ में महाराज श्री प्रभुपाद के द्वारा लिखित एक पत्र को सुनाते हैं। हमारे आंदोलन में अब भी श्री कृष्ण की शक्ति सम्मिलित है। हमारे पास सबसे अच्छे सिद्धांत है, सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छे गुरु
और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से हम सारे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। हम हर तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर हम सब कुछ बड़ी सावधानी से करते हैं तो हम विश्व को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अत्यंत दयालु हैं, और वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं इन बद्ध जीवात्माओं को जन्म और मृत्यु के सागर से कैसे पार लगाऊं। पूरे जगत को अंधकार से बाहर निकालने के लिए वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। वो हर वर्ष गल्फ, यूरोप, अमेरिका, रशिया और भारत के कई नगरों में विचरण करते हैं। बिना आराम किए हमेशा घूमते रहना बहुत ही कष्टदायक है। एक बार एक भक्त ने उनसे एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, अगर हम थोड़े दिनों तक प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें 2-3 दिन के आराम की आवश्यकता होती है, आप बिना आराम किए पूरे विश्व का भ्रमण कैसे कर लेते हैं? महाराज ने कहा, कृष्ण जो शक्ति प्रदान करते हैं उसी से मैं यह सब कर सकता हूं। 12 दिसंबर 1973 के दिन सुबह सैर करते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, प्रचार करना हमेशा कठिन है, यह मैं बार बार कहता हूं। प्रचार करना सरल नहीं है, प्रचार करना एक लड़ाई की तरह है। क्या लड़ाई करना आसान होता है? यह सरल नहीं है, जिम्मेदारी होती है। प्रचार क्या है, क्यों लोग अज्ञानी हैं, हमें उन्हें माया रूपी अंधकार से बाहर कैसे निकालना है, यही तो सोचना है और प्रचार करना है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के विचार बड़े ही सरल और स्पष्ट है। अगर उनके किसी भी शिष्य से कोई त्रुटि हो जाती है तो वो उस शिष्य को सुधारने के लिए निर्देश देते हैं। कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों के पालन करने के मामले में वो बड़े ही चुस्त हैं, फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज पुस्तक वितरण का ब्यौरा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वो पुस्तक वितरण से बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री प्रभुपाद के आदेशानुसार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कई विषयों पर पुस्तकें लिख चुके हैं, जैसे माय मेमोरीज ऑफ श्री प्रभुपाद एक अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक का अध्ययन करने से हम ये समझ सकते हैं कि महाराज प्रचार को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। स्कॉन के प्रचार को यह पुस्तक प्रेरणा प्रदान करती है। महाराज की दूसरी पुस्तक है ब्रह्मचर्या इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। ये पुस्तक हमें ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करती है। ये पुस्तक केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं है अपितु गृहस्थ भक्तों के लिए भी लाभदायक है। स्कॉन के सभी भक्तों को जय श्रील प्रभुपाद पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में महाराज ने श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से किया है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की शरण कभी नहीं छोड़ेगा। ए मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया भारत के युवाओं के लिए बिल्कुल सही संदेश देती है। महाराज की एक और पुस्तक बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्सियसनेस केवल नए भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन भक्तों के लिए भी जो अपनी साधना और भक्ति अपने घर में ही दृढ़ता से करना चाहते हैं। महाराज के द्वारा संकलित रामायण भक्तों को बहुत पसंद है। अगर कोई रामायण को एक बार पढ़ना शुरू कर देता है तो वो उसे जल्द से जल्द पढ़ना चाहता है, पूरा करना चाहता है, और वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आंखें आंसू बहने लगते हैं। महाराज ने अन्य कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, वंशीदास बाबाजी महाराज, ग्लिम्सेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ, द स्टोरी ऑफ रसिकानंद और पिलग्रिम्स ऑफ होली इंडिया। महाराज भगवत दर्शन के लिए कई लेख भी लिखते हैं, और पुस्तकों की छपाई, वितरण
और रखरखाव की व्यवस्था भी स्वयं संभालते हैं। महाराज उन सभी बातों का ध्यान रखते हैं जो कि पुस्तकों के छपने और वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि वो प्रचार कार्य में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित महाराज की पुस्तक द लायन गुरु जल्द ही तैयार होने वाली है और सभी भक्त इस पुस्तक की बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज ने कुछ पुस्तकें बंगाली भाषा में भी लिखी है। उनकी पुस्तकों को कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। महाराज की कुछ पुस्तकें आम जनता के लिए है तथा कुछ पुस्तकें विशेषकर भक्तों के लिए हैं, जिससे हम श्री प्रभुपाद के निर्देशों को समझ सकें। जय श्री प्रभुपाद और माय मेमोरीज ऑफ श्री प्रभुपाद पुस्तकों के हर एक शब्द में हमें महाराज का श्री प्रभुपाद के प्रति लगाव और समर्पण की भावना समझ में आती है। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री भक्ति विकास स्वामी। महाराज इस भौतिक संसार के उलझनों को सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का प्रतिदिन 1 या 2 घंटों तक अध्ययन करें, कीर्तन में सब भक्त मिलकर नाचें और गाएं, भगवान के नाम का जप बड़ी सावधानी और ध्यान से करें। ये सब करने से हम जल्द ही शुद्ध भक्त बन जाते हैं। महाराज अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषाओं में प्रचार करते हैं। टीवी पर उनके हिंदी प्रवचन करोड़ों लोगों द्वारा देखे एवं सुने जाते हैं। महाराज श्री प्रभुपाद के निर्देशों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करते हैं और वो अपने शिष्यों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो सब भी श्री प्रभुपाद के आदेशों का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करें। महाराज कहते हैं, श्री प्रभुपाद ने जो कुछ भी कहा मैंने उस पर हमेशा पूरा विश्वास किया। मुझे पता है कि श्री प्रभुपाद जो कुछ भी कहते हैं वो सही होता है। प्रभुपाद कृष्ण को जानते हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। अगर कोई ये समझता है कि श्री प्रभुपाद ने कहीं कोई गलती की है तो वो खुद गलती कर रहा है। महाराज आगे कहते हैं, श्री प्रभुपाद इस भौतिक संसार के हर एक जीव को मुक्त करना चाहते हैं और मेरे इस भौतिक संसार में होने का यही कारण है कि मैं वही करूंगा जो श्री प्रभुपाद चाहते हैं। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का संग प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि पूरे विश्व में कृष्ण के नाम का प्रचार हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाना ही महाराज के जीवन का लक्ष्य है। हम सब महाराज से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा हमेशा प्रदान करते रहें, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद के इस मिशन में अपना योगदान दे सके। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।